देखिए, आज जो टॉपिक हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका कॉन्ट्रा, दूसरा डेबिट नोट और तीसरा हम आपके साथ क्रेडिट नोट को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। जैसा आप जानते हैं, हमारी बीजी की पेनड्राइव क्लासेस हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को बीजी से रिलेटेड हर टॉपिक कवर करते हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, या फिर बीजी के फीचर, या फिर बीजी का डाटाबेस हो। तो आज हम इस पेनड्राइव क्लास में अपने तीन टॉपिक को कवर करेंगे, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, और कोशिश करेंगे कि आज ये आपके तीनों टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले आज हमें बीजी में कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सीखना है, फिर हम आपके साथ डेबिट नोट, फिर हम आपके साथ क्रेडिट नोट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कॉन्ट्रा होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री इज अ स्पेशल एंट्री यूज टू रिकॉर्ड द फंड मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कह रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो किसी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। मतलब सपोज दैट मेरा एक कैश अकाउंट है और मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, मैं अपना कुछ कैश का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूँ या कुछ बैंक अकाउंट का बैलेंस कैश में डालना चाहता हूँ, उसलिए हम जो एंट्री यूज करेंगे उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो अगर आप अपने एक पैसे को अगर आप अपने किसी दूसरे पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे भी कॉन्ट्रा कहते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक SBI में बैंक अकाउंट है और एक मेरा PNB के अंदर है, मैं SBI अकाउंट का बैलेंस PNB में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो भी कॉन्ट्रा होगी। तो बहुत से लोग कहते हैं सर जब कैश टू बैंक आता है तो कॉन्ट्रा आता है या बैंक टू कैश आता है तो कॉन्ट्रा। जी ऐसा नहीं है, जब आप अपने पैसे को एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं अपने ही पैसे को, वो कॉन्ट्रा कहलाती है। सपोज दैट मान लो मेरे पास दो पॉकेट है, एक पॉकेट मेरी इस साइड है, एक पॉकेट मेरी इस साइड है, तो इसका पैसा अगर मैं इसमें उठा के डाल दूंगा तो पैसा तो मेरा ही है ना, अब पॉकेट चेंज हो गई, पहले यहां पैसा था अब पैसा यहां आ गया, इसे कॉन्ट्रा कहते हैं। जब तुम अपने ही एक फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हो वो कॉन्ट्रा कहलाती है, चाहे वो कैश टू बैंक हो, चाहे वो बैंक टू बैंक हो, ठीक है, या फिर बैंक टू कैश हो, तब आपको कॉन्ट्रा करनी है। क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गया। इसमें अगर तुम्हें सामने वाला कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज मत होना, वो कहेगा कि मैंने ए पार्टी को ट्रांसफर करें 20,000 रुपए बैंक से, तो ये क्या करें, पेमेंट करिए। आपको किसी ने बैंक ट्रांसफर करके पैसा दिया है तो भी ये रिसीव है, ये कॉन्ट्रा नहीं। कॉन्ट्रा तभी आएगी जब आपका पैसा आप चाहे डालो या निकालो तो आपको कॉन्ट्रा, चाहे वो कैश टू बैंक हो, चाहे वो बैंक टू बैंक हो, या बैंक टू कैश हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, कॉन्ट्रा यूज करोगे। आइए क्लियर करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इज अ स्पेशल एंट्री यूज टू द रिकॉर्ड द फंड मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अ कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ अ कैश बिटवीन वन कैश टू अनादर कैश और कैश टू अनादर बैंक, या फिर वाइस वर्सा कह सकते हैं, जैसे बैंक टू अनादर बैंक, एक बैंक टू दूसरे बैंक, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट टू सेम बैंक अकाउंट कंपनी का, एंड कैश अकाउंट टू अनादर कैश अकाउंट। सर समझा नहीं, मेरे पास एक कैश अकाउंट है, मेरे पास एक पीटी कैश अकाउंट होता है, आपको पता है ना हमारी कंपनी में एक ऐसा बंदा होता है जो छोटे मोटे काम के लिए हम उसे हायर करते हैं, जैसे रिक्शे वाले को पैसा देना है, लेबर को पैसा देना है, या किसी दूसरे स्टाफ को देना है, तो हम डेली में उसे 5,000 रुपए दे देते हैं कि ये 5,000 रुपए ली और तू सारे खर्चों को अपने आप मेंटेन करियो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैटी कैश बुक बोलते हैं या पैटी कैश के नाम से जानते हैं। तो कई बार तुम अपने कैश का बैलेंस किस में ट्रांसफर करते हो, पैटी कैश बुक में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कॉन्ट्रा। चलिए ये समझ आ गया। देखो एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिखा है, कैश ट्रांसफर फ्रॉम अ कैश अकाउंट टू पैटी कैश बुक अकाउंट। कह रहा है कि मैंने अपने पास कैश अकाउंट से अपने ही कंपनी के पैटी कैश में पैसा डाला तो एंट्री कहां से होगी, सर वो कॉन्ट्रा से होगी, क्योंकि मेरा ही कैश है बट मैंने
उसको जेन्युइन कैश का नाम ना देके एक छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाया, वो भी क्या है मेरा कैश है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रा करेंगे। आइए मैं एंट्री भी आपको हाथों हाथ समझा दूं, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। मैंने यहां से आपके साथ बीजी 18 को ऑन करा, कि बीजी 18 ऑन हो गया। यहां से मैंने एक कंपनी ओपन कर ली जो मैंने डेमो के नाम से और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बनाई। कंपनी का ऑन हो गया, इसके अंदर जो भी पासवर्ड यूजर है वो डालेंगे, पासवर्ड यूजर डालेंगे, कॉन्ट्रा में आए। अब मैंने अपना कैश अकाउंट से जो एक नाम था उसके जरिए केस और बनाया, जिसको नाम दिया मैंने कैटी कैश। क्या नाम दिया मैंने? पैटी कैश बुक। अच्छा, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। तो मैं एंट्री पास करूंगा, क्या लिख दूंगा? यहाँ नाम होता है पैटी कैश अकाउंट, पैटी कैश लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ग्रुप में कैश अकाउंट डाल दिया और सेव कर दिया। कितना? 12,000। मैंने 12 डाल दिया और मेरा पैसा किस में जा रहा है? कैश अकाउंट से जा रहा है। तो देखिए कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा। अब मेरा एक कैश मेरे दूसरे कैश में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है? पेटी कैश अकाउंट। मैंने इसे सेव कर दिया। हो सकता है मैंने अगर बैंक से कुछ पैसा निकाला तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर बैंक में पैसा डाला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट यही होगी। लेकिन कभी भी रिसीव पेमेंट में आप इसकी एंट्री कर ही नहीं सकते, आप चाहोगे भी ना तब भी रिसीव पेमेंट से नहीं कर सकते थे कॉन्ट्रा की एंट्री। तो सर कॉन्ट्रा की एंट्री जनरल से? हाँ, कॉन्ट्रा की एंट्री आप जनरल से तो कर सकते हैं, क्योंकि जनरल क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रा की वही एंट्री आएगी जब आप अपनी कंपनी का एक पैसा अपनी ही कंपनी के दूसरे किसी फंड में ट्रांसफर करते हैं, उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। चाहे वो कैश टू कैश हो, चाहे बैंक टू बैंक हो, चाहे बैंक टू कैश हो, चाहे बैंक टू कैश हो, तभी यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज नहीं मत होना। वो आपको बोल सकता है कि मैंने 1 लाख रुपए रोहित को दिए, कॉन्ट्रा नहीं। मैंने बैंक से ट्रांसफर करे तब भी नहीं। अगर किसी थर्ड पर्सन का नाम ले तो कॉन्ट्रा नहीं होगी, जब तक वो तुम्हारे खुद के फंड की बात ना करे। क्लियर है? बस ये बात आपको माइंड में रखनी है, ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आ गया? तो जब तुम कैशबुक की एंट्री करोगे तो वहां पर अगर कैशबुक में बैंक का नाम है तो कॉन्ट्रा होगी, और अगर बैंक बुक में कैश का नाम है तो भी कॉन्ट्रा होगी, बाकी सभी सिचुएशन में रिसीव पेमेंट होगी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सर आपने लास्ट क्लास में, जब कुछ 3-4 क्लास पहले, मैंने आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सिखाई थी, तो उस समय मैंने कहा था सेल रिटर्न का रियल नाम ही क्रेडिट नोट होता है और परचेज रिटर्न का नाम ही रियल नेम डेबिट नोट होता है। लेकिन लोग इजनेस के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, तो उसे क्या बोल देते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं, जबकि डेबिट नोट नहीं बोलते। तो सर बीजी में ये दो टॉपिक क्यों दे रखे हैं? यहाँ भी परचेज रिटर्न है क्रेडिट नोट, यहाँ भी सर परचेज रिटर्न डेबिट नोट है, सर यहाँ भी परचेज रिटर्न विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। सर इन दोनों का यूज हम कब करेंगे और इन दोनों टॉपिक का यूज हम कब करेंगे? चले एक सिचुएशन के जरिए समझते हैं। मान लो अगर क्वांटिटी वापसी करनी है, या क्वांटिटी आपको वापसी आ रही है, उस केस में आपका जो होगा वो होगा परचेज रिटर्न डेबिट नोट विद आइटम। कौन सा? विद आइटम मतलब सामने वाले को या तो आप माल वापसी कर रहे हो, लेकिन आप उसे क्वांटिटी बता रहे हो कि सर मैंने 10 पीस आपसे वापसी करनी है, मुझे आपको 12 पीस वापसी करनी है, या मुझे 15 पीस आपको वापसी करनी है, इस रेट से वापसी करनी है, तो उसके लिए आपको सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न विद आइटम मिल जाएगा। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी कहती है नहीं सर अमाउंट में डिफरेंस है, आपने 10 रुपए की आइटम 11 रुपए में लगा दी, क्वांटिटी तो सही आई है मेरे पास, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करना है विदाउट आइटम। इसमें आइटम की कोई बात नहीं होती, बस खाली अमाउंट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मैंने एक परचेज करी, एक चार को बिल नंबर 201 रखा, पार्टी का नाम मैंने यहाँ बनाया और पार्टी का नाम यहाँ पर रख दिया मैंने कमल, ग्रुप में सन्डरी क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो और सेव। मैंने इससे एक आइटम खरीदी आइटम 1, मैंने आइटम 1 बनाई,
ग्रुप में जनरल यूनिट पीस से परचेस प्राइस 120 और 100 पीस मैंने खरीदी। टोटल मैंने 12,000 रुपए का उससे माल खरीदा। लेकिन उसने कहा कि सर आपकी 10 पीस ना खराब है, या मैंने उसको बोला कि सर आपने जो माल दिया है ना उसमें आपकी 10 पीस पूरी तरीके से खराब है, आप वो 10 पीस अपनी वापसी ले लो। तो मैं सिंपल है, मैं परचेज रिटर्न पे आऊंगा, तारीख डालूंगा जो भी तारीख होगा, यहाँ पार्टी का नाम लिखूंगा, जो वाउचर नंबर होगा वो डालूंगा, और जो आइटम मैंने खरीदी थी उसमें 10 पीस में उसको वापसी करके सेव कर दूंगा, कोई दिक्कत है? इस तरीके से आपने कर दी। लेकिन अगर ये सामने वाली पार्टी आपको बोलती कि सर 10 रुपए की आइटम आपने 11 रुपए की लगा के बेच दी, या 11 रुपए की आइटम आपने 10 रुपए की लगा के बेच दी, तो उस केस में आपको ये यूज करना है। आइए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन वन, कि मैंने कोई क्वांटिटी परचेज करी, यहां मैंने रेट लिखा और मैंने यहां अमाउंट लिख दिया। क्वांटिटी 100 पीस थी, रेट इसका 11 रुपए लग के आ गया, और जो टोटल बिल बन गया वो बन गया इतने का, 11,000 का, 1100 रुपए का। जबकि इसका जो रियल रेट था वो इसका रियल रेट था कंट्रोल सी, और मैंने इसे कंट्रोल वी कर दिया। जबकि इसका जो रियल रेट था वो 10 रुपए था। इसका रियल रेट कितना था? इसका जो रियल रेट था वो 10 रुपए का था। इसका मतलब कि आप जो भी माल खरीदेंगे वो 10 रुपए में आना चाहिए था, लेकिन गलती से मेरे अकाउंटेंट ने उस आइटम को 11 रुपए के हिसाब से सेव कर दिया और मुझे बताया नहीं, क्लियर? लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि वो रेट 11 रुपए का आया, जबकि मेरी उस रेट की बात हुई थी 10 रुपए की। उस रेट की बात कितनी हुई थी? 10 रुपए की। इसका मतलब सामने वाले ने मेरे से 100 पीस के कितने रुपए ज्यादा ले लिए? 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए ज्यादा ले लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि उसके अकाउंट को 100 रुपए से कम करना है। अब जब मैं उसके अकाउंट को 100 रुपए से कम करूंगा तो मुझे परचेज रिटर्न तो मैं नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे अब क्वांटिटी तो वापसी नहीं करनी, मुझे क्या करना है? वापसी, अमाउंट वापसी करना है। फिर तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? डेबिट नॉट विदाउट आइटम। जब तुम्हारे अमाउंट के अंदर कुछ डिफरेंस हो, चाहे अमाउंट ज्यादा हो चाहे आपका अमाउंट कम हो, तो उस केस में आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाना है। आइए एक एग्जांपल के चलते हैं। मैंने यहाँ परचेज करा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 1-5 लिखा, बिल नंबर 101 लिखा, पार्टी का नाम बनाया अमित कुमार, पार्टी का नाम बनाया अमित कुमार, ग्रुप में संडी क्रेडिटर्स लिखा, मेंटेन बिलेबल टॉपिक को नो करा और सेव किया। वही आइटम जो मैंने आइटम वन खरीदी थी वही 100 पीस 11 रुपए के रेट के हिसाब से, और मैंने इस बिल को सेव कर दिया ना। अब मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए? 100 रुपए एक्स्ट्रा लगे, और मुझे अब 100 रुपए कम करने, मुझे क्या करने है? 100 रुपए कम करना है। तो मैं करूं क्या? तो आप सिंपल कहां जाएं? डेबिट नोट में आए, जिस दिन कम करना है वो डेट डालें, और सबसे पहले उस पार्टी का नाम डालें, जो भी पार्टी हो, चाहे आप डेबिट नोट बनाएं या फिर आप क्रेडिट नोट बनाएं। तो मैंने यहाँ अमित लिख दिया। सर आपने अमित को डेबिट क्यों करा? देखो अमित को जब हम पैसा देते हैं तो हम हमेशा अमित को क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि रूल सिखाता है जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। जब हम पेमेंट करते तो अमित को डेबिट करते थे, अब आज अमित के अमाउंट को कम करना है तो भी क्या करेंगे? डेबिट। कितने रुपए से? 100 रुपए से। क्लियर, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये कि सर अब 100 रुपए किसको कम करें? अब बताओ माल कितने का आ गया? 1100 का आ गया, जबकि माल आना कितने का चाहिए था? 1000 का। तो माल भी तो कम करेंगे। आप ध्यान से देखो, अगर मुझे अमित को 1000 रुपए देने, 1100 रुपए देने थे, तो मुझे, मैंने अपने परचेज में दिखाए भी कितने होंगे? 1100 ही दिखाए होंगे। अब मुझे परचेज से भी तो कितने रुपए कम करने? 100 रुपए कम करने, ताकि मेरी जेन्युइन परचेज कितने की दिख जाए? 1000 रुपए की दिखे। तो मैंने क्या करा
मैंने अमित को तो डेबिट कर दिया 100 रुपए से, क्योंकि 100 रुपए उसका कम करना था, और साथ साथ जो मेरी परचेज 1100 रुपए की थी मुझे उसे भी कम करना था, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 100 रुपए से कम कर दिया। सर बहुत से लोग ना यहाँ पर F3 करके बना लेते हैं। जी बिल्कुल बना लेते हैं, लिख देते हैं परचेज रिटर्न, साथ में डेबिट नोट और ग्रुप में परचेज अकाउंट, तो आप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो परचेज डाल दो, आप चाहे तो परचेज रिटर्न डाल दो, ये आपके ऊपर है, पर मैंने इसे एंटर मार के सेव कर दिया। इसका मतलब अगर सामने वाली पार्टी आपको बिल ज्यादा पर लगा के देती है जिससे आप माल खरीदते हो, उसे कम करने के लिए आप डेबिट नोट बनाओगे, और जब आप डेबिट नोट बनाओगे तो सबसे पहले पार्टी का नाम और नीचे परचेज डाल दोगे ताकि वैल्यू कम हो जाए। क्लियर? दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब सपोज दैट क्वेश्चन उल्टा कर दें, क्वेश्चन अब क्या कर दें, क्वेश्चन अब इसको 11 की जगह उल्टा कर दें, लेकिन पहले एक बार रिपोर्ट चेक कर लें। रिपोर्ट के लिए अगर मैं बीजी को ओल्ड प्लस एल करूं और यहां अमित कुमार का लेजर निकालू, तो आप ध्यान से देना, अमित कुमार से मैंने 1100 रुपए का माल खरीदा था, 100 रुपए मैंने वापसी कर दिए, तो टोटल कितने रुपए देने मुझे को, आज अमित को 1000 रुपए देने। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हो गया ना, तो इसलिए जब पार्टी के अंदर अमाउंट को कम या ज्यादा करना होता है तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। लिए आइए दूसरा एग्जाम्पल। अब हुआ क्या, मैं अमित ये माल 10 रुपए का खरीद के लिया, जबकि इसका जो रियल रेट था वो 11 रुपए था, मेरे को पास माल जो आना चाहिए था वो 1000 रुपए का ना आके 1100 रुपए का आना चाहिए था, और आ कितने गए, गया 1000 रुपए का। जब बाद में मालिक को पता लगा तो मालिक ने कहा, नहीं यार ये तो गलत बात है, रेट इसका 11 रुपए था और हमें अमाउंट के अंदर जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 100 रुपए का। अब हमें उसे 100 रुपए देने, हमें और देने, 1000 तो देने ही थे, अब 100 रुपए हमें उसे और देने। उस सिचुएशन में क्या करें, मैं लिख देता हूं, अगर परचेज आपकी क्या हो जाती है, शॉर्ट होती है, अगर आपकी परचेज शॉर्ट होती है, सर ओवर होती है, मतलब ओवर इन द रेट में अब होती है, 10 रुपए की आइटम 11 रुपए में लग के आती है, तो उसको कम करने के लिए आप डेबिट नोट बनाओगे, क्या बनाओगे, डेबिट नोट अगर ओवर चार्ज है, और अगर आपकी परचेज शॉर्ट चार्ज की गई है, शॉर्ट चार्ज का मतलब होता है 10 11 रुपए की चीज थी, 10 रुपए में चार्ज की गई, 1 रुपया कम चार्ज किया गया, तो उसके लिए बनता है क्रेडिट नोट, क्या बनता है उसके लिए, क्रेडिट नोट बनता है, उसके लिए क्या बनता है आपका, क्रेडिट नोट बनता है। आइए अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलता हूँ। मैंने यहाँ पर वाउचर नंबर 213 203 लिखा, पार्टी का नाम बनाया F3 करके, नितिन, ग्रुप में सन्ड्री, क्रेडिटर्स रखा, मेंटेन बिलेबल टॉपिक को नो करा, और 2 बार F2 करके मैंने सेव कर दिया। फिर मैंने यह आइटम बनाई, 100 पीस लिखी, और रेट इसका कितना था, जबकि इसका रेट 11 था, मैंने 10 रुपए के हिसाब से इसकी एंट्री करके सेव। अब सर 1 पीस का 1 रुपए का डिफरेंस है, तो मैं कहाँ से एंट्री करूंगा, क्रेडिट नोट से। सर क्या मैं उसी बिल को मॉडिफाई तो कर सकता हूँ, देखो अगर सेम दिन की बात होगी तो आप बिल उसी बिल को मॉडिफाई करके ठीक कर लो, लेकिन बात हुई हो 6 महीने पहले, 8 महीने हो गए हो, 10 महीने हो गए, या 1 साल हो गया, तो उस बिल को आप मॉडिफाई करना अच्छा लगेगा, या फिर आपको एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एंट्री पास करना अच्छा लगेगा। सर कॉमन सी बात है कि एंट्री पास करना अच्छा लगेगा, तो ठीक है। अब बताओ 10 रुपए चार्ज करे, जबकि चार्ज कितने करने थे, 11, शॉर्ट चार्ज हुआ है ना, आप बिल की वैल्यू को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट। इसका मतलब परचेज वाली पार्टी अगर वैल्यू को कम करेगा तो डेबिट नोट बनाएगा, और अगर वैल्यू को बढ़ाएगा तो क्रेडिट नोट बनाएगा। आगे मैंने यहाँ तारीख लिखी कब, मैंने कहा 1/7 में, सबसे पहले पार्टी का नाम आएगा नितिन, तो मैंने यहाँ नितिन टाइप कर दी, कितना 100 रुपए, और यहाँ पर परचेज भी 100 रुपए से कम थी तो 100 रुपए की बढ़ा दूंगा, क्योंकि परचेज भी 1100 रुपए की आती, जबकि आई कितनी 1000, तो परचेज 100 रुपए से बढ़ा दो और लाइबिलिटीज भी 100 रुपए से बढ़ा दो, कंप्लीट। अब ओल्ड प्लस एल करो, नितिन का लेजर निकालो और आप देख लीजिए, नितिन को पहले 1000 रुपए देने थे, क्रेडिट नोट की एक एंट्री पास करी, टोटल कितना हो गया, अब नितिन को मुझे 1100 रुपए देने। क्लियर? तो अब नितिन को मुझे कितने पैसे देने, 1100 रुपए मुझे नितिन को देने। इसका मतलब बस आपको याद रखना है कि अगर मेरी परचेज शॉर्ट ओवर चार्ज होती है तो उसे कम करने के लिए मैं डेबिट नोट बनाऊंगा,
और अगर मेरी परचेज शॉर्ट चार्ज होती है तो उसके लिए मैं क्रेडिट नोट बनाऊंगा। लेकिन सर अगर सेल की बात हो तो सेल के अंदर भी यही है, अगर सेल ओवर चार्ज की गई है, अगर सेल ओवर चार्ज की गई है तो उसके लिए बनेगा क्रेडिट नोट, अपोजिट है, और अगर सेल शॉर्ट चार्ज की गई मतलब कम चार्ज की गई है तो उसके लिए बनता है डेबिट नोट। बस इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लो, बाकी परचेज रिटर्न जैसे मैंने सिखाई है वैसे ही आपकी सेल रिटर्न भी होगी, कोई डिफरेंस नहीं, मुझे वो कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए? डेबिट नोट विदाउट आइटम का यूज हम तब करते हैं जब हमारे रेटों में डिफरेंस आता है, या हमें जिस रेट की क्वांटिटी खरीदनी चाहिए थी हम उस रेट की क्वांटिटी नहीं खरीद रहे, तो उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हैं। अगर परचेज में शॉर्ट ओवर चार्ज हो गया तो उसे कम करने के लिए डेबिट नोट, और अगर परचेज में शॉर्ट चार्ज हुआ तो उसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट नोट। वैसे ही सेल में अगर ओवर चार्ज हुआ है तो क्रेडिट नोट, और अगर सेल में शॉर्ट चार्ज हुआ तो उसके लिए हम डेबिट नोट की एंट्री करते हैं। साथ साथ मैंने आपको एंट्री भी करके दिखा दी और साथ साथ आपको रिपोर्ट भी दिखा दी। आइए एक सेल की एंट्री देख लेते हैं। मान लो मैंने किसी एक पार्टी से 100 रुपए की आइटम खरीदी है लेकिन उसका रियल रेट 110 रुपए था। पार्टी का नाम यहाँ बना लेता हूँ दीपक, तो मैंने यहाँ दीपक नाम की पार्टी बनाई, ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स रखा क्योंकि मैं उनको सेल कर रहा हूँ, मेंटेन मिल वैल्यू टॉपिक को नो करा, यहाँ आइटम ली 100 पीस, मैंने इसे 100 रुपए के रेट 110 रुपए के रेट से खरीद ली, जबकि खरीदी कितने के रेट से 100 रुपए के रेट से, तो अब कितने रुपए ज्यादा दे दिए 10 रुपए, एक पीस पे 10 रुपए, 100 पीस पे कितने 1000 रुपए ज्यादा दे दिए, तो उसको कम करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा क्रेडिट नोट, क्योंकि सेल वाली पार्टी है और वैल्यू को कम करना होता तो क्या बनाओगे क्रेडिट नोट। यहाँ पर तारीख डालो, जो तारीख थी वो डाला, सबसे पहले पार्टी का नाम आएगा, कितने रुपए कम करने 1000 रुपए, पार्टी क्या कम करेंगे सेल कम करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सेल भी कम कर दी और मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया, ऑल्ट एल करा, पार्टी का नाम लिखा दीपक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी सेल हुई थी 11000 की, फिर 100 रुपए कम कर दिया तो अब लेने सामने वाले पार्टी से कितने 10000 रुपए लेने। क्लियर है? तो बस ये आज का सेशन था, जिस सेशन में हमने आप लोगों के साथ अपने 3 टॉपिक को कवर करा, जिसमें पहला एक कॉन्ट्रा था, दूसरा इसमें डेबिट नोट था, और तीसरा इसमें क्रेडिट नोट के बारे में सीखा। कॉन्ट्रा में मैंने आपको बताया अगर आप अपने एक फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको कॉन्ट्रा करना है, चाहे वो बैंक टू बैंक हो, चाहे कैश टू कैश हो, चाहे कैश टू बैंक हो, तो उसमें आपको कॉन्ट्रा करना है। उसके बाद मैंने एंट्री भी करके सिखाई, उसके बाद मैंने आपको डेबिट नोट के बारे में बताया कि विद आइटम और विदाउट आइटम का यूज कब करना है। विदाउट आइटम का यूज तब करना है जब अमाउंट के अंदर डिफरेंस आए, और विद आइटम का या विद आइटम वाला डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करना है जब क्वांटिटी की बात आए। साथ साथ कैसे यूज करना है वो भी बताया, अगर परचेज में ज्यादा लगा है तो उसे कम करने के लिए डेबिट, अगर परचेज में कम लगा है तो उसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट नोट, अगर सेल में ज्यादा लगा के बेचा है तो उसे कम करने के लिए क्रेडिट नोट, और सेल में अगर शॉर्ट लगा के बेचा है तो बढ़ाने के लिए डेबिट नोट हम कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।